चलिए शुरू कीजिए, चालू है। ई लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं वर्ग अष्टम विषय हिंदी पाठ संख्या 9 क्या निराश हुआ जाए, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। प्रस्तुत पाठ में कुछ कठिन शब्दाएं हैं जिनके अर्थ को जानना आवश्यक है। तस्करी, अवैध रूप से सामान ले जाना, भ्रष्टाचार, बुरा आचरण, प्रत्यारोप, उल्टा इल्जाम, श्रमजीवी, मेहनत से जीने वाले लोग, आचरण, चाल चलन या व्यवहार, गुमराह, राह भूला हुआ, त्रुटि, गलती, कमी या कसर, उद्घाटन, शुरू करना या आवरण हटाना, विचित्र, अनोखा, अवांछित, जिसकी चाह नहीं हो, वंचना, धोखा या ठगी, गंतव्य, लक्ष्य, जाने योग्य, मनुष्यता, आदमी होने का भाव या सभ्यता, विश्वासघात, धोखा। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आसपास निराशाजनक परिस्थितियां मौजूद हैं, पर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने सद्विवेक और अच्छाई पर भरोसा करके इनको बदलने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। लेखक समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के घटनाओं से विचलित होते हैं कुछ क्षण के लिए, पर उन्हें सुकून मिलता है तब जब उनके साथ दो घटनाओं का जिक्र करते हुए वे निराशा के बादल को सदा सदा के लिए छट सा जाने में उन घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। सबसे पहले वे एक रेलवे काउंटर से 10 रुपए का टिकट लेते हैं, गलती से 10 के बजाय 100 के नोट दे देते हैं और टिकट वालों भी गलती से, धोखे से उसे रख लेता है, पर जब रुपयों का मिलान करता है तो वह अपनी गलती स्वयं पकड़ लेता है और लेखक को ढूंढता हुआ उन तक पहुंच ही जाता है और उनके हाथ में 90 रुपए देते हुए वो अपनी गलती स्वीकार करता है कि भूल से मैंने 10 के बजाय 100 के नोट 10 का समझ कर रख लिया था, मिलान करने पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं ढूंढता हुआ आपको 90 रुपए लौटाता हूं। लेखक कहते हैं, कैसे कहा जाए कि सच्चाई समाप्त हो गई है, कैसे कहा जाए कि मनुष्यता नहीं है। दूसरी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बतलाया कि बस पर सवार लेखक, उनकी पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, जब गाड़ी गंतव्य से पहले ही 8 किलोमीटर सुनसान निर्जन स्थान में रुक जाती है, लोग इसे चोरी कराने का बहाना मानते हैं, ड्राइवर को मारना पीटना चाहते हैं, पर लेखक आशान्वित है कि नहीं, ड्राइवर के कहने पर कि कंडक्टर भागा नहीं है, वह नहीं बस लाएगा। सचमुच में कंडक्टर नहीं बस लाता है, साथ ही साथ वह छोटे बच्चों के बिलकते हुए और भूखे प्यासे होने का एहसास करता हुआ एक लोटे में जल और थोड़ा दूध लेते आता है और लेखक के समक्ष रखता हुआ बोलता है, भाई साहब, इन बच्चों का रोना, इन बच्चों का बिलबिलाना मुझे
हमेशा कोसता रहा और इसलिए मैं नई बस भी लेते आया हूँ बस अड्डे से। आप लोग सवार हो और इन बच्चों को जो भूख से प्यास से बिलबिला रहे हैं इन्हें पानी और दूध दें। कैसे कहा जाए मनुष्यता समाप्त हो गई, कैसे कहा जाए सद्विवेक का नाश हो गया, कैसे कहा जाए सच्चाई समाप्त हो गई। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए लेखक बड़े आशान्वित हैं और हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए, कुछ घटनाओं को ही प्रमुखता से अपने दिलो दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। इस पाठ के माध्यम से आप भी आशान्वित रहें, सच्चाई आज भी कायम है, कानून के ऊपर धर्म है। धन्यवाद। अगले वीडियो में